हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है और बहुत से कैंडिडेट को ये मालूम नहीं है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है, जिसकी वजह से वो वंचित रह जाएंगे पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। पार्टिकुलर जिन्होंने अब की बार जो यूजीसी नेट जेआरएफ निकला हुआ है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर जरूर करें। अब चलिए आगे की बातें करते हैं, और इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसे जाकर देख सकते हैं। पीएचडी रिसर्च प्लेलिस्ट में है, पर चैनल पे है, यूनिवर्सिटी न्यूज़ के चैनल पर प्लेलिस्ट में है, तो उसे देख सकते हैं। पूरा डिटेल से जानकारी दिए हूँ उस पर, और ये इसमें मैं आपको बताऊँगा कि देख लीजिए यहाँ पे जो लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है इसके बारे में जानकारी देंगे, और ये जानकारी देंगे कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन था रिलेटेड टू जामिया पीएचडी एडमिशन। तो देखिए यहाँ पे आप सब लोग आमंत्रित हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एवरीबॉडी। जो आपको ओनली पीजी है वो भी अप्लाई कर सकता है, और यूजीसी नेट जेआरएफ है वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो एलिजिबल है, कौन जो अभी अभी जून में जो पास किए हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं कर सकते हैं। हालांकि उन्हीं के को ध्यान में रखते हुए लास्ट डेट जो एक्सटेंड हुआ, क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म हो गया था, अक्टूबर में ही था, तो लास्ट डेट ख़त्म हो गया, तो उसके बावजूद भी आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी नेट जेआरएफ हैं और ओनली पीएचडी हैं, आप लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे। किससे? तो आप रिटेन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ध्यान रहे आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपका जो जैसे ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसमें आपका नाम होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका छूट गया कहीं या खो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा। तो ये है, इस पर रिलेटेड मैं और वीडियो बनाया हूँ। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि जो भी आपका आप जेआरएफ नेट जेआरएफ है 2024 से पहले जो भी है, 23, 24, 22, 23, 24 जो भी है, वो सब अप्लाई कर सकते हैं जामिया में। और ये भी निकले हैं अभी, अगली बार जो रिजल्ट आया है वो भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। तो ये है, अभी चलते हैं, तो लास्ट डेट बता दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जिक्र कर देना चाहता हूँ, कि जो आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी ये नोटिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और दूसरा कि यहाँ पे पार्ट टाइम भी पीएचडी किया जा सकता है और होगा। एक कैंडिडेट ने, स्टूडेंट ने ये पूछा था, सर का जामिया से मैं पार्ट टाइम पीएचडी कर सकता हूँ? तो कर सकते हैं यहाँ पे, नो एनी डाउट आप कर सकते हैं। कि आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको, तो यहाँ पे एलिजिबल रहिएगा आपको यहाँ पे 55%। अगर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। इंडिया के किसी कहीं के भी हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% यहाँ पे छूट मिलेगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और फिर बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी इसका पर वीडियो बना दिया हूँ। और एमफिल की डिग्री है तब भी आपको 55% मार्क्स हैं तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आप एमफिल किए हैं तो आप रिसर्च जो एंट्रेंस टेस्ट है उसे एग्जेम्प्टेड रहेंगे, ये भी बात आपको ख्याल रखना है। और भी नो ऑब्जेक्शन, जैसे कि एक आया था सर कि मैं पार्ट टाइम मैं यहाँ से पीएचडी कर सकता हूँ का, द कैंडिडेट विल टू टेक एडमिशन अंडर द पार्ट टाइम जो आई बी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम में कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में यहाँ अवेलेबल है, ये भी बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, ये क्वेश्चन था। और लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ का इंग्लिश में होता है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में चलता है। और देखिए यहाँ पे वैलिड आपकी यूजीसी नेट सीएसआईआर जो भी नेट है और कोई फेलोशिप है गेट वगैरह है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए 40% का कम स्कोर होगा तो आपको नहीं बुलाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो भी जाकर देख लीजिए। अब लास्ट डेट कब तक हुआ है वो भी बता देते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 29 तारीख का जारी हुआ है, 29 अक्टूबर को, और ये नवंबर चल रहा है नोटिस है। उसमें साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि जो वाइस चांसलर जामिया के जो है काइंडली अप्रूव कर दिए हैं एक्सटेंशन। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 15/11 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए द ऑनलाइन पोर्टल जो ओपन हो गया है, री ओपन हो गया है आपका, आपको विल बी रिमेन ओपन द एडिटिंग। आपको 16 से लेके 17 तक एडिटिंग कीजिएगा और 15 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर तक लास्ट डेट है। और 2 दिन अगर कोई गलती हो जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे करेक्शन करने को मौका मिलेगा, एग्जामिनेशन कंट्रोल द्वारा जारी हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी इस अभी तक जानकारी नहीं है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इस तरह के अपडेट के लिए आप यूनिवर्सिटी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।